को अदम की ये वो गिर ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वाले को दुनिया भी नहीं देते हैं। In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum and a very good afternoon everyone. I am Daniel Abbas. And I am Tayyab Hamdan. We will be your host for today's session. On the behalf of IDEA, we welcome all of you all heartily. Thanks a lot for taking out your time and being here. उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीरे कुन से उगाता है जो ज़मीर ज़मन, शुआए लोहे कफी से तराशता है वजूद, मुबारक आफ़े कलम से उजालता है वतन। Everything that we have today from our very breads to our loving families and all the friends around us is just... बालों में किधर मैंने मेरे बात करो, इतना देखो अजीब अजीब बोलिए कब तक आ गए। So नहीं आप पहले सेटल हो जाए सारे, मैं अभी काम की बात शुरू नहीं करूंगा। अभी जो पहले 5-7 मिनट की एक अजीब वही केमिस्ट्री होती है ना दिमाग की नए स्पीकर के सामने, वो सेटल होने से उसको वैसे तो 40 मिनट लगते हैं विड्रॉल में। ट्राई एंड एक्सपेडाइट थिंग्स। तो कहा रखना छोटा बच्चा कौन है, जरूरी है कि मुझे पता। 15 साल का कोई है? हाँ ना, ऑप्शन फैक्टर आउट द 16 साल 17 18 ओके 18 साल। क्या नाम है आपका? कोई और है जी? क्या बुरा है ये एक काम बंद करना आपने, ये सख्ती से मना है। मुसलमानों में खड़े होने के ट्रेडिशन इंडिया से आ रहा है, खैर एक्चुअली इंग्लैंड से आ रहा है। ओके, दिस यू कैन नॉट स्टैंड फॉर एनी अदर ह्यूमन बीइंग, दिस इज अगेंस्ट द बिलीफ सिस्टम दैट आई रिप्रेजेंट, यू रिप्रेजेंट। ओके, सो आइडेंटिटी के लिए कर रहे हैं ना, तो सही सही बातें करेंगे ना। वी गेट इट, वी स्टार्ट फ्रॉम द बेस। You never stand for any other human being. We only stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyam se Allah kehte hain. Sahabi, Nabi alayhi salam kya ke nahi khade hote the, hum ek dusre ke khade hote the. Uncle kya khade hote hain? Aur teacher kya bhi. So it's a, but wrong is wrong. Identity crisis ka pehla usool. Ke jo cheez galat hai, wo koi bhi kare to galat hai. Jo cheez sahi hai, wo koi bhi kahe to sahi hai. Ye pehla usool yaad rakhna. अभी मैं आता हूँ identity crisis. ये जो आप खड़े हुए थे ना, दाऊद नाम था, दाऊद यार मुशरफ साहब जान की बात है, बिग नेम। नो आई विल गेट अ लिटिल चिकी और खवातीन में से। यस, कितने साल बेटा? 17 18 क्या नाम आपका? हमना। ओके, हमना एंड मुशरफ। अगर हमने और मुशरफ कोई बात समझ आ गई ना, तो बाकी किसी के पास कोई बहाना नहीं है। यस, सो आई एम गोइंग टू टॉक टू हमना एंड मुशरफ राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक, क्योंकि सेंटर में दाऊद है। सो आई एम ओनली टॉकिंग टू दीस थ्री पीपल, बाकी सब रिलेट करें उनसे। ओके, अरे तक 25 साल का तो कोई नहीं था ना, है कोई? मेरा पिछली जनरेशन है ना, पाकिस्तानी एक कल्चर में असूल था कि जब कोई लड़की अपनी एज बताएगी तो 4 ऐड करना, बेफॉर्मिंग लेट जमा कराते थे, पता है? नहीं नहीं, अभी अभी बदल गया, ये पिछली जनरेशन में होता था। सो 22 साल 21 ओके 22 ओके, सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम 18 टू 22, दैट्स द रेंज, दैट्स हाउ वी हिट स्वीट स्पॉट इज 20 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी लड़की। पाकिस्तान इस्लामाबाद के सारे आप? तो कैसा लगा मेरा गांव? अभी तो इस्लामाबाद में ना, हाँ हाँ, मतलब मैं तो लोकल हूँ, तो इसलिए मुझे तो आई वेलकम यू ऑल। एक अजीब वरीब आइडेंटिटी है इस्लामाबाद की, यहाँ पे हम रेड लाइट पे गाड़ी रोक लेते हैं किसी को शहर में, और इधर गाड़ी को रास्ता दे देते हैं। अजीब बेवकूफ लोग हैं, कॉम्प्लेक्स है। पिंडी से इस्लामाबाद आते तो रास्ता देते, हैदराबाद क्रॉस करते तो फिर रास्ता नहीं देते। आइडेंटिटी का अच्छा, ये ताली कल्चर बस। यस, बता रहा बेस पे शराब की हम सबको बचपन से ज्यादा, आपको तालियां बजाओ क्यों ताली बजाओ? कोई बंदर नाच रहा तो बच्चा है, बंदर कुछ कह रहा है बंदर द्वारा नाच रहा है, इंसान को क्या समझता ताली? जरा सोचिए इंसान को क्या जरूरत है ताली की, कोई जवाब दे मुझे।
अप्रिशिएट कर रहे हैं सर, मुंह पे तारीफ करते हैं, ये भी मना है अल्लाह की तरफ से, मुंह पे तो तारीफ करने के खिलाफ है हदीस। आप 50,000 बंदे मिलकर मेरे मुंह पे तारीफ कर रहे हैं, तो मैं तो यहाँ आया तो मोमिन था, जाऊंगा फिरौन, सोचे तो सही, बेसिस तो क्लियर करें ना अपनी। अभी मैं आपको साइंस खोलूंगा, साइंस बताऊंगा आपको, इसके बाद एटलीस्ट आधे साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। सबसे पहले जाके अम्मी को शिकार करेंगे आप मगर आपको शिकार होते नहीं ना, तो आप तो अकेले में पकड़ लेते अम्मी को। मसला असल में घर से शुरू हुआ, यहां में तो आके हमने उस मसले की पीएचडी कर दी, एंड दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन आई कैन गिव इन वन आवर। मसला इतना बड़ा है कि एक घंटे में सॉल्व नहीं हो सकता, मेरे पास एक घंटा है। ओके, ये 70 साल पहले का मसला नहीं है। This problem that you guys are suffering from is not a 17-year-old problem. So don't say, oh, Pakistan, Pakistan ke alawa bhi use nahi karega. It's a chronic disorder we suffer from. That's a 4,000-year-old problem you're suffering from. Why did I say 4,000? Koi ek banda bataye. 4,000 ka lafz kaise aa gaya mere dil mein? Baat aage nahi badhegi jab tak is bare mein baat clear nahi hogi. Kaun hai, kaun hai? जी सर, क्या नाम आपका? मोहम्मद अली। जी मोहम्मद अली, हिंदुइज्म में कहता है 4,000 साल। जो मेरा सवाल उस पर, दिस इज अ 4,000-year-old प्रॉब्लम। वाई 4,000-year-old प्रॉब्लम? एंड समवन इज गोइंग टू कम एंड टेल यू दैट इट्स अ 70-year-old प्रॉब्लम। पाकिस्तान 70 साल का होता है ना, 70-year प्रॉब्लम। It's a 4,000-year problem that you and I suffer from. Yeah, ये जो local culture है ना हमारा, जिसमें मैं और आप और आपकी अम्मी और मेरी अम्मी अपने अरमान पूरे करना चाहती हैं। हाँ, तो अरमानों की बोझ में है ना। आप सब लड़कियों को अपने लहंगे का कलर कैसे पता है? तो शादी में पहनने आपने अपनी। Who started this game? 12-12 साल की बच्ची अपने लहंगे की डिजाइनिंग के ऊपर तैयारी हो रही। दो रोटी बनाने आ गए बेटा, असली कहानी वो है, डिग्री शिग्री नहीं काम आ रही, सीवी है आपकी, आइडेंटिटी क्राइसिस की क्लास में आ गई आप। यस, आपको अगर पता है ना मैं क्या कह रहा हूं तो बस समझ आ गई सबको। जो ये सोचे सर, ये क्या मतलब है गोल रोटी? ऐसा तो कोई नहीं है ना, सोचे जरा, गोल रोटी बनानी आपने और डिमांड इनकी पहली क्रिएट हो चुकी है ये लड़की बैठे में। कैन यू बिलीव इट? वही तो कह रहा, अम्मी अम्मी है हमारी, रास्ते में अम्मी आ गई पाकिस्तान के और हिंदू राज के और पाकिस्तान के अम्मी। नो नो, इट्स नॉट जस्ट अम्मी, इट्स नॉट जस्ट, मगर द प्रॉब्लम इज 4,000-year-old। एक ऐसी चीज है जो कि दुनिया की हर सिविलाइजेशन ने छोड़ दी और वो था अपना पुराना इनहेरिटेड कल्चरल सिंड्रोम। हर सुमेरियंस ने 16,000 साल पुराने सुमेरियंस ने छोड़ दिया। अभी कहां है सुमेरियंस? क्या करते हैं सुमेरियंस? पता पता समझ रहा, पता नाम सुना है समझ रहा, बाबल, बाबल से पहले समझ रहा, एकेडियंस के बाद सुमेरियंस, ये चीज जाके बेज के पहले कौन था? चले अभी वो कोशिश, वो क्या प्रैक्टिस करें आपको पता, क्या प्रैक्टिस करें? वो इस्लाम प्रैक्टिस कर रहे क्योंकि वो इराकी है, कुछ भी सुमेरियन सिविलाइजेशन के नहीं पता। ओके, मायंस ले लें, मायंस ब्राजील में थे, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे एक्चुअली, अभी तक पता नहीं चला मायंस अचानक 24 आवर्स में किधर गायब हो गए। चले वो तो चले गए, वो किसी ना किसी स्पेसशिप में चले गए, बिल भी गई स्पेसशिप में। हम लोग वो वायद हैं जो 4,000 साल से वही हरकतें कार्टून करते आ रहे हैं, लिटरली सेम। उसका सबूत बताऊं, एज फार एज 1400 years ago एक हमारे पास लिटरेचर मिल गया हमें, जो कि अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा था मेरे शक्कर दादा और आपके शक्कर दादा के बारे में, हज़रत उमर बिन खत्ताब को, कि या अमीरुल मोमिनीन इधर जाऊं या ना जाऊं। उमर बिन खत्ताब ने खत पढ़ा, उन्होंने कहा क्यों, क्या मसला है, इधर जाऊं ना जाऊं क्या मतलब? फिर उन्होंने 19 निशानियां बताई हमारे आबाओ अजदाद की। वो निशानियां बताऊं आपको? मफहूम बताता हूं क्या बेटा, नूरुल्लाह उन्होंने बताया, एक साहबी उमर खत्ताब से बात कर रहे हैं,
किधर आके पाकिस्तान बॉर्डर पे, कभी सोचा नहीं आपने? इतनी उम्र तो हो गई है, यहां उम्र की पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, पाकिस्तान पे क्यों थी? आपको पता है हर उम्र की बाउंड्री पाकिस्तान पे लगती थी आगे? जी नहीं, अफगानिस्तान हर उम्र के अंडर था, और आसानियों ने हर उम्र पे बैत की है, अटक तक हर उम्र आया, अटक तक। आपको नहीं पता बात, अटक तक दरिया सिंह तक हर उम्र की हुकूमत थी, और दरिया सिंह के इधर इधर मेरे आपके मोहल्ले में जैसे हमने नहीं आना। You know what he wrote? I have bigger headaches to deal with. लकीर खेच नॉर्थ की तरफ रुककर, और पूरा रशिया मुसलमान हुआ, समरकंद, बुखारा, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यस, ये कहां से स्थान हो गए? ये अबू उबैदा बिन जर्रा ने किए, ऊपर भी चले गए, सीधा के नहीं आए, बिकॉज उन्होंने बताया कि ये लोग करते क्या हैं। पढ़े तो सही जरा वो खत। That's the problem. When I come to these sort of sessions, I'm thinking, okay, is there a differential? No, no, there is no differential. Nurland, पहली निशानी, लड़की महफूज नहीं है इधर, गली में निकलेगी पूरा मोहल्ला चपट लेगा उसको। आप बताएं, फील होता है आपको? यस, 4000 साल पुराना मसला, 4000 साल पुराना, टोल लगाते हैं हर जगह पे हर चीज की। यस, कौन सा प्रोफेसर के साथ किसकी अच्छी चल रही है सबको पता है। इसको तो गोल्ड मेडल मिला ही मिला, पहले से पता है। यस, अबू उबैदा बिन जर्रा 1400 मिल जाए वो अपने से कमजोर को मार देता है, समझे? प्राइम मिनिस्टर होने की जरूरत नहीं है, गुजरते गुजरते को हल्का से भी चाट देंगे कि बेटा यहां पे जरा देखना कोई अंदर ना आ जाए, उसने डंडा पकड़ के हर एक को मारना शुरू कर देना कि अब तो मेरे पास थोड़ी सी ताकत आ गई, अपने से कमजोर को सप्रेस मत करना। यस, अभी भी हो रहा है। किधर किधर से जाके पकड़ू वो खत को, कोई एक चीज छोड़ दी हमने, रेप कल्चर जो कि अरब में नहीं था, यहां पर उन्होंने पहले दबा के देखा था, ये कैसे हो सकता है? गैंगरेप सुनते थे, अरब को पता ही था गैंगरेप का कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखे कि ये कैसे एक इंसान इस सतह पर जा सकता है। यस, सो ज्यादा लंबी मैं तभी नहीं बांधूंगा, आपको पहले बता दूं मसला 4000 साल पुराना है। ओके, the problem that I have with my last two generations is they could have stopped it, they could have done something about it. You know what they did? They enhanced it, they glamorized it, they glamorized it so much ki aaj kal ek ladka ek ladki ka haath pakadna cool samajhna shuru ho gaya. Hairat hai, andar ki fitra phir bhi cheek marti hai ki uski behan ko haath pakde to cool kyun nahi hota bhai, wo ladka identity crisis dekhi कूल की डेफिनेशन सिर्फ मेरे लिए और खास जगह के ऊपर इस स्क्वायर के अंदर मैं कूल हूं, बस इस स्क्वायर में नहीं, 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 स्कूल में मैं गुलाम हूं, सलाह दे सर यहां पे, लेकिन यहां पे आप क्यों कूल है? फिर सोचे ना सही, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल थिंग्स दैट वेंट रॉन्ग? आपकी उम्र में मेरे पास आके कोई बंदा इस तरह की बात कर जाता ना तो 20 साल बच जाते मेरे, और 20 साल ना बचते कम अज कम 100 मोहल्ले बच जाते, कम से कम 50-500 गलियां बच जाती कि जहां पे खवातीन महबूस समझती मेरे गुजर में अपने आप। यस, मैं जिस दफ्तर में काम करता हूं टाइम पे जाता कि भाई कमिटमेंट की हुई है मैंने, मोमिन सब कुछ हो सकता है बात अहद नहीं हो सकता, कमिटमेंट करके आया हूं इधर, पैसे ले लो इस काम के। आपको पता है आपकी जनरेशन के बारे में पहले से फोरकास्टिंग हो चुकी है, ये किसी काम की उसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी लग चुकी है आपका, टाइटल लगा हुआ है, तमाम कॉर्पोरेट्स ने फ्रेश ग्रेजुएट्स को बैन करना शुरू कर दिया कि पहले इनको 2-2 साल इंटर्नशिप करवाओ। आपको पता है 3-3 हफ्ते के इंटर्न्स को हम परमानेंट जॉब पे आकर, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन टेलीकॉम जिसने पहली दफा जॉन में था, मैं यहां पर आता था उस पर कि फ्रेश ग्रेजुएट मैंने ले रहा। आप लोगों का नखरा आपके उसूलों को काउंटर करना शुरू हो गया, नखरा होना चाहिए, ईगो है आपका भाई, बिरयानी नहीं अच्छी लगती, मुझे अच्छी लगती है,
मगर सही गलत हम दोनों का एक जैसा ही, झूठ बोलना गलत है, किसी के ऊपर जुल्म करना गलत है, कह के कि मैं कर दूंगा ये काम ना करना गलत है, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने अंदर फितरत में डाला हुआ है। दिस इज द गोल्डन रूल। चार ऐसी हदीसें जिनको कहते हैं 4 लाख हदीसें एक तरफ, और ये 4 हदीसें उनमें से एक हदीस है कि डू अनटू अदर्स व्हाट यू वांट अदर अदर्स डू अनटू यू। मोमिन अपने भाई के लिए वो चीज पसंद करता है जो अपने लिए पसंद करता है, और अपने लिए अपने भाई को वो चीज कभी नहीं देता जो अपने लिए पसंद नहीं करता। यस, इसको फेयरनेस का मीटर कहते हैं। ये बेसिक आइडेंटिटी ह्यूमन बीइंग की दो चीजों के ऊपर, एक रहम और एक इंसाफ। ये आपको ब्राजील में भी मिलेगा, चिली में भी मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा, फिलीपीन में मिलेगा, मिलना पाकिस्तान में भी चाहिए था, नहीं नहीं मिलता, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अंतर की तो बातें हैं ना, अपने अपने लिए तो हम हैं, अपने अपने लिए तो हम, अपने घर वालों के लिए तो मोमिन है। यू अंडरस्टैंड? सो द रियल फितरा, अल्लाह की फितरा तो नहीं बदलती ना। द रियल आइडेंटिटी वॉज एवरी ह्यूमन बींग गॉड आइडेंटिटी। ये दो चीजें नहीं हिलने वाली आपकी, जहां मर्जी पैदा कर दूंगा तुम्हें, जिसके मर्जी घर, जिस मर्जी मजहब पे चले जाओगे, आइडेंटिटी तेरी नहीं बदल दूंगा। तेरी अंदर की फितरा की आवाज तुझे आएगी आएगी, ठीक है? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में बता दिया कि हर बच्चा अल्लाह की फितरत से पैदा होता है। आगे आइडेंटिटी क्राइसिस कहां पे आती है, हदीस पूरी सुन ले, कहां पे आइडेंटिटी क्राइसिस होती है? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पैदा तो वो हर बच्चा अल्लाह ही की फितरत पे होता है, ब्रैकेट में मुसलमान पैदा होता है क्योंकि अल्लाह के यहां से इस्लाम है, मगर आप उसके माँ बाप उसको यहूदी बना दें या नसरानी, आप तो बाइबल इकट्ठी हो गई ना, पहले यहूदी और नसरानी एक दूसरे को देखते ही मार देते थे। हमें जब नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम की आयत सूरह मरियम सुनानी शुरू की तो किसको गुस्सा आया था? यहूदियों को आया था डायरेक्ट। तो आप हदीस का मतलब समझे, आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होती है, या माँ बाप उसको यहूदी बनाए या नसरानी के टोटल एक दूसरे के ऑपोजिट बनाने की ताकत है माँ बाप, या वो ब्लैक कर देंगे या वाइट कर देंगे। फितरा से हटाना माँ बाप का काम होता है याद रखना, और साथ ही उन्होंने बता दिया नबी इस्लाम ने कि जिसने मेरी नहज पे गौर सुना दो बेटियों को या एक बेटे को बालिग कर दिया वो जन्नत में बैठा ऐसे हो। ये दोनों हदीसें इकट्ठी करें आपको आइडेंटिटी क्राइसिस का सलूशन मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फितरा, ब्राजील वाले तो हदीसें पढ़ के नहीं करते ना, जब आप दुबई एयरपोर्ट पर जाते चले वो तो मुसलमानों का कोक और मुसलमानों का मुल्क है, हीथरो एयरपोर्ट पर तो नहीं इस्लाम आया था, वहां पर क्यों फितरा की आवाज प्रैक्टिस की जा रही है कि नहीं नहीं ये लाइन बना के खड़े सबके साथ फेयरनेस से काम होगा, जो चीज गलत आपको बेच दी गई है वापिस कर लेंगे हम, उन्होंने हदीस पढ़ के असूल निकाला नो। बेसिक एम्पथी का तकाजा है फितरा, एम्पथी एंड जस्टिस, ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही थी। आपने कभी किसी ने सोचा अभी तक कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की कहानी को सुनाई है, क्या ताल्लुक है मेरा आपको बता रहे थे कि आप आदम के बच्चे पहला बंदा था, पूरी स्टोरी क्यों सुनाई, कभी सोचा? हजरत आदम के वक्त फरिश्तों का डायलॉग अल्लाह हमें क्यों बता रहे हैं? तुक्का ही मारे कोई, दिस इज अ क्वेश्चन एट योर एज यू शुड नो, योर 18 यू शुड नो दैट। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दुनिया में ना जितने भी कोरियन साइकोलॉजिस्ट या यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट या एशियन चाइनीज असली वाला लिबरल, क्योंकि मैं और आप दोनों हैं असल में कि मुझे अपनी लिबर्टी चाहिए भाई, मैं एक फ्री इंसान पैदा हुआ हूं, मुझे अपने अपनी सोच को प्रैक्टिस करने दो, गलत हो सही हो बहस करके समझा दो, मान लूंगा नहीं समझूंगा तो अपनी मर्जी करूंगा,
जिसको लिबर्टी बोलते हैं, लिबरल, हर मुसलमान लिबरल ही होता है, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट की बात बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी लेफ्टिस्ट के पास चलेगी, वहां पर उन्होंने कहा बाइबल है नहीं मानते हैं, कोर्स बाइबल क्यों मानेंगे वो, ठीक है, बिकॉज बाइबल है कोर्स लॉ ऑन टॉप इट्स विद लिबर्टी। तो उन्होंने इस वक्त यूनिवर्सिटी में जितना भी पंप किया ना अपना पूरा का पूरा मवाद, उसमें उन्होंने बताया कि अगर आइडेंटिटी चेक करनी है तो ह्यूमन बॉडी उठाएं, बॉडी की सर्जरी करें, केमिस्ट्री खोलें, आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, मुझे पता है आई बिलीव इन दैट केमिस्ट्री, कुरान पाक ने उस केमिस्ट्री को आवाज खुली आयतों से दी है, फिलियानसोसेकुम, तुम्हारे अंदर निशानियां दिखाऊंगा, तुम्हें आसमानों में भी दिखाऊंगा, इस समावाद बाकी अनफुसेकुम, और आगे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये किताब हक की किताब है, तुझे तेरे अंदर निशानी दिखाऊंगा कि तू क्या चीज है। अब वो केमिस्ट्री हमें नजर आ गई है, अभी मैं बताता हूँ केमिस्ट्री, बट दैट्स अ लिटिल, अभी थोड़ा सा पार्ट करते हैं साइड। Real thing is, what is the left side saying in the planet? They are saying, okay, हमें केमिस्ट्री नजर आ गई है, yes, सही नजर आई है उनको। कैसे मुझे पता, मेरे पास तो दोस्त कैंसिल है ना, मेरे पास तो कुरान भी हदीस भी है, तो मैं इस कैंसिल से चेक करता रहता न्यूरोबायोलॉजिस्ट कि ये कहाँ तक पहुंचे, बिल्कुल सही पहुंचे। They said कि जरा ह्यूमन ट्रैजेक्टरी को उठाओ, वो तो बंदे से लेके आते, तो ले आओ जहाँ से भी ले आओ, बंदे बंदे तक तो लेके आओ, बंदे से ही लेके आओ। केमिस्ट्री में क्या हुआ था कि हु इज दिस, व्हाट इज दिस मशीन, बाप हुआ आइडेंटिटी क्राइसिस का एनालॉजी देके समझा रहा हूं, ओके, हां कैमरा ताकि आपको ये फेसबुक लाइव पे सब कुछ समझ आ जाए तस्वीरों में, यस नंबर तीन। वैसे मैंने नोट किया पाकिस्तान की खातून बिल्कुल ही मुबर्रा है काफी सारी इंफॉर्मेशन से, F-16 का पता MiG-22 सो F-16 पैसेंजर प्लेन है, ओके, A380 ये तो पैसेंजर प्लेन करते हैं, बोइंग क्या करते हैं 747 पैसेंजर प्लेन है, यस यस यस, कौन है एक बंदा खड़ा होकर बता दे, इस वक्त माजर खड़ा पैसे का हाथ खड़ा करके बता दे, जी सर आपको कैसे पता है कि F-16 पैसेंजर प्लेन नहीं है, खातून कोई खातून बताए कभी देखा ही नहीं, आपने फाइटर से देखा नजर नहीं आता पता फाइट के दौरान ऐसे गुजर जाता है, ओके बात सुने ओ माय गॉड, मैं तो समझ आता कि मैं बिल्डअप करूंगा रोक के टाइम मैं बता दूं और डिप्रेशन की तरह था, अल्लाह हू अकबर। शीनी मजारी की पता खान खान कुरैशी के नाम शाम शाम मूत्र गलत चीजों का पता है आपको, आप पता कहां कहां तक जा रहे हैं, तो आज श्री इमरान खान में भी हो गया, काम की चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके, दिस इज अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। और किसने बाबू अबू और अम्मी ने हर वक्त ARY जीओ लगाया नीचे, पता है था बच्चे की आइडेंटिटी क्राइसिस में जा रही है, सीरियसली बता रहा हूं, दीज पीपल आर नॉट वर्थ इवन अ सेकंड ऑफ योर अटेंशन, यू आर दैट प्रेशियस टू मी, ये आपके 20 नहीं 20 जनरेशन जाया करेंगे, 20 साल नहीं जाया करेंगे, ये ना सिर्फ कंफ्यूज है बल्कि ये साइकोलॉजिकली करप्ट है, मैं डॉक्टर बता रहा हूं आपको, इनमें से कम 99% को कम से कम 99% को अस्पताल में होना चाहिए, मुझे तो दो तीन बीमारी भी पता है जो 5-7 बंदे नाम लिए इनको है नहीं, लिटरली चलते फिरते को डॉक्टर पकड़ ले तो अस्पताल ले जाएगा अगर किसी और मुल्क में पकड़ेंगे, इज एंडेंजरिंग अदर पीपल इन सोसाइटी, अगर नफ्सियाती बीमारियां नजर आती होती ना तो हम चीखे मार के भागते इस हॉल से, चीखे मार के भाग जाते स्पेशली आप, गलत आपको लगता ना, F-16 पैसेंजर प्लेन इसलिए नहीं है
क्योंकि जब आप उसको देखते हैं तो उसमें से एक पायलट की जगह होती है और बाकी बम लगे हुए होते हैं, मिसाइल लगे होते हैं उसमें। गूगल करें अभी F-16। दो हो गए जी, एक पैसेंजर आ गया, दूसरा पायलट उसको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, और पैसेंजर नहीं है, ठीक है। इसको उड़ाने के करोड़ों रुपए लग जाते हैं और पैसेंजर प्लेन को उड़ाने के करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, समझ रहे हैं। तो जितना पैसेंजर प्लेन चलेगा उतना फायदा होगा और जितना F-16 चलेगा उतना नुकसान होगा। यस, पैसों का नहीं खाली, जानी नुकसान भी होगा क्योंकि मिसाइल भी आएगा, बम मारेगा, ठीक है। सो किसी एक मशीन को देखते ही उसका पर्पस समझ आ रहा था। तो F-16 को देख के आपको समझ आ रहा है कि सर ये फाइटर जेट है, इसको किसी मकसद से उड़ाएं, ऐसे ना उड़ाया करें। तो ये मेरी और आपकी मशीन देखे बगैर हमें सड़कों पे फेंक दे रहे हैं बाप, सोचने से ये मशीन क्यों नहीं नजर आ रही किसी को। देयर इज अ सर्टेन केमिस्ट्री दैट वी आर ऑल मैनिफेस्टिंग एवरी सिंगल सेकंड। ये मशीन खास तरह का बिहेवियर हजारों साल से दिखाई जा रही है, दिखाई जा रही है, दिखाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बस शादी कर दिए बड़े होके। इसलिए मशीन नजर, ये मतलब ये नजर आया आपको मशीन में, बाकी के पुर्जे भी हैं मशीन में। इस सबसे बड़ा पुर्जा यहां पे लगा हुआ है, आवाजें आ रही इधर से, देयर इज अ प्रॉब्लम हियर। आप कई लड़कियों की बात, ये सब बीवियां ढूंढने आए हैं इधर, मशीन को समझ नहीं रहे आइडेंटिटी। अभी मैं खाली, अभी मैंने आपसे कहा ना, द रियल प्रॉब्लम इज नॉट इन साइंस, साइंस इज खाली सिम्टम, साइंस डज नॉट सॉल्व योर वाई क्वेश्चन। जो बहुत ज्यादा एथियस्टिक माइंड का बच्चा बैठा है क्लास में और अपने आप को एथियस्टिक हो गया, एंटागनिस्टिक हो गया सर मैं, और ये होता है, वो है असल में आइडेंटिटी क्राइसिस। अब मैं वो क्यों बता रहा हूं, मशीन को समझें एक दफा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको भी समझा दूंगा मशीन, इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मशीन समझा के हम। देयर इज ए सर्टेन वे योर मशीन इज बिहेविंग, दैट मींस कि जब F-16 उड़ता है तो फ्यूल ज्यादा कंजप्शन होती है और हल्का सा भी कोई बटन दबाओ नीचे कोई धमाका हो जाता है, नीचे कोई शहर गांव उड़ जाता है। यस, F-16 में ऐसे ही होता है ना, उसका मतलब है द वे द मशीन बिहेव्स शो यू द पर्पस। So it was a very clear indicator कि this machine is going to behave a certain way. अब आपको आधा समझ आ गया मेरा सवाल का जवाब, कि हजरत आदम की कहानी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों सुना रहे हैं। ओके, फरिश्तों ने क्या कहा था कि या अल्लाह ये तो जमीन में जाके खून निकालेगा, दम का लफ्ज है, नीचे तो कोई मखलूक ही नहीं है जिसका खून हो, जिन और फरिश्ते चल रहे हैं उस वक्त, खून कहां से निकालेगा, फसाद करके। पहला बंदा बन रहा है, खून कहां से आ गया, मशीन समझे जरा, अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। कुरान पाक स्पीकिंग लाउड स्पीकर के ऊपर ये आयत लगी हुई है, अल्लाह ताला ने बताया है। पांच सूरतों में अलग अलग चैप्टर्स के अंदर आदम का किस्सा रिपीट हो जाता है, सो रिपीट जस्ट सूरह बकरा। अभी दे इज सच डिटेल कि बार बार अल्लाह ताला रिपीट क्यों कर रहे हैं, आगे देखे कॉन्टेक्स्ट के अंदर अल्लाह आगे बता कर रहे। द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बींग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, द फिजियोलॉजी इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। जब भी कुरान पाक में इंसान का लफ्ज आएगा वो साइकोलॉजी की आयत याद है। ओके, जिसको साइकोलॉजी और हिस्ट्री नहीं आती वो इस्लाम में कुछ नहीं लगता, वो कुरान पाक से कुछ नहीं निकाल सकता, साइकोलॉजी समझे और हिस्ट्री पढ़े तब आपको पता चलेगा हाउ डज दिस मशीन बिहेव। नाउ व्हाट इज दिस मशीन डूइंग फॉर यू। अब मैं थोड़ी सी मशीन एक मिनट के लिए खोल के बताता हूं, कोई लफ्ज समझ ना आए टेंशन नहीं लेनी, आप जो मकसद बता रहा हूं और जो तरीकेकार बता रहे हैं यहां पे वाइट बोर्ड है। ओके, देयर इज अ वे यू आर ऑल गोइंग टू बिहेव। कितनी बड़ी ताकत है मेरे पास, मुझे ये पता चल गया अगले 10 सालों में आपने क्या क्या करना है। वो जो लाहौर इस्लामाबाद में नजूमी बैठे होते आपके साथ, ये होगा ननानवे फीसद बातें मैं आपको अभी बताता हूँ सर क्या होगा। बच्चों के नाम तो आप लोगों ने सोच लिया मगर आपके साथ जनरली क्या होगा वो मैं बता दूं।
आपने क्या पहनना है ये भी बताता हूं, समझ गए, कितने देर के लिए पहनना ये बताता हूं। ये मेरे साथ हमारे साथ नहीं हुआ पहली दफा, ये अलेक्जेंडर का नाम सुना आपने? Yes, कौन है? आप तो शक हो गए ना, पूछना पड़ेगा जी, पीछे से कोई बताया जी, अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर समझेगा आपको अभी पता चलेगा, आप सबसे बड़ा इंडिकेटर है ह्यूमन केमिस्ट्री का खवतीन, अभी आपको स्पेसिफिक बना के बताऊंगा ताकि सबको समझ आ जाए कि आइंदा आपने अपनी मशीन को समझना है। पर आपके साथ हो क्या, आपके साथ हो क्या किया, किसने किया भी पता चल जाएगा। सिकंदर आजम ने क्या किया? फतुहात की थी सर, जंगे लड़ी, जीत गया, वो भी पता कहां तक आया था? पाकिस्तान बॉर्डर तक, सिंध तक आया, मुल्तान आके वापस आ गया, नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम कहां तक आया था? सिंध बॉर्डर से वापस आ गया, बीमारी छूने से ना फैलती हो, भाग जाओ, हमें छोड़ के हर बंदा ही भाग गया। बारह सिकंदर आजम ने जो पहली कॉन्क्वेस्ट की थी ना, एंड द बिगेस्ट कॉन्क्वेस्ट इन द हिस्ट्री, that really changed the way today's game is being played. आज की जो गेम खेली जा रही है उसका पहला इंडिकेटर क्या था? सिकंदर आजम ने सबसे पहले सबसे बड़ा मार्का मार लिया था, और वो था उसने रोम फतह कर लिया। रोम फतह होते ही एक छोटे सा जिला उनके अंडर आता था रोम के, जिस पे नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस बताई कि तुम्हारा साथ वही होना है, तुम्हारी आइडेंटिटी ऐसे बदलनी है। आइडेंटिटी की हदीस सुना रहा हूं, आइडेंटिटी क्राइसिस, ओके, तुमने खुद बनी हो रही, और समझे इस बात को, नबी साहब ने क्या कहा कि बनी इसराइल जिस सुराख से गुजरेंगे तुमने भी उसी सुराख में अपनी एंट्री कर ली, वो दाया जूता है तो तू बाया जूता है, इस तरीके से रेप्लिकेट करोगे दूसरे, ये नहीं कि तुम उनकी कॉपी करोगे, यू विल गो थ्रू द सेम थिंग्स दे हैव गॉन। सो व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर अलेक्जेंडर, मेन सुपर चैप्टर केमिस्ट्री, ठीक है, मेन टॉपिक आइडेंटिटी क्राइसिस, दो चैप्टर चला रहा है। अलेक्जेंडर ने जब रोम फतह किया तो जेरूसलम रोम के अंदर था, और ग्रीक क्या करते थे और रोम का क्या, जेरूसलम का क्या था, प्योर प्योर जोडाइज्म प्रैक्टिस हो रहा था, कट्टर मौलवी, डर लगता है कट्टर मौलवी से, कट्टर मौलवी जेरूसलम में थे। आपने क्या हिजाब किया अपना, नाखून नजर नहीं आ सकते यहूदी औरत के, नाखून भी ओके, क्या शक्ल का आके डरती हैं आप, जेरूसलम के जो हालात थे आप सोच नहीं सकते, क्यों सोचे तो सही, 326 बीसी का अलेक्जेंडर है, सोचे हर तीसरे 300 साल पहले प्योर, इस वक्त अंबिया की लिस्ट चल रही है लिटिल यू, नाउ व्हाट हैपेंड टू देम, व्हाट डिड दे इंट्रोड्यूस, उसने क्या किया, और उसने उसने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा जेलेट किस्म के जूते, इनको जेलेट्स बोलते हैं, इनको डाइल्यूट कर दो, इनको आइडेंटिटी, इनकी आइडेंटिटी जो है ना एक बार बार काटती है हमें, इनके साथ इनके पास एक आइडियोलॉजी है, और आइडियोलॉजी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारी केमिस्ट्री है कि हम अपने अंदर दो आइडियोलॉजी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मशीन खुद बताती है, उन्होंने क्या किया फिर इसको हेलेनाइज ज्यूज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और अलेक्जेंडर ने गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, अलेक्जेंडर ने क्या किया फिर जेरूसलम में, एक काम किया बस, उसने वहां पे नेटफ्लिक्स लॉन्च कर दिया, क्या नाम था डर की ऐसे देख रही मुझे, नेटफ्लिक्स, एलिगेटर ने जेरूसलम में नेटफ्लिक्स लॉन्च कर दिया, आपको नहीं पता काटा आपने नेटफ्लिक्स ने अपना नाम रखा, नेटफ्लिक्स चोरी का नाम है, ओरिजिनल नेटफ्लिक्स एलिगेटर ने लॉन्च किया, अब नहीं पता इस बात का, लेकिन अब आपको चूंकि आप 16 नहीं ना पता तो हमें कुछ भी बोलना को मानना पड़ेगा, हमें कुछ ही बोलोगे नहीं सही बात का, हर क्लास तो होता है, हर प्रोफेसर को पता है बात का, जो ऐसे की तरह तरह वो स्टूडेंट सबको पता हो, तो बोलो मुझसे ना पूछ,
तो बेचारा ऐसे इसलिए कर रहा था कि सर वो असल नहीं कर रहा था। तो अलेक्जेंडर ने नेटफ्लिक्स ही लॉन्च किया था, ही नेटफ्लिक्स ही लॉन्च किया था कि इनको गुमराह, अगर अगर इनको नेटफ्लिक्स के अंदर लगा दिया ना तुमने तो ये क्या करेंगे। अब अलेक्जेंडर तो केमिस्ट नहीं था ना, न्यूरोबायोलॉजिस्ट नहीं था, उसको तो बेसिक पैटर्न्स पता थे क्या, जो पावर में होता है उसके नीचे फॉलोशिप होती है। तो उसने क्या किया, उस वक्त नेटफ्लिक्स को पता क्या बोलते थे, एम्फीथिएटर, या कोलोसियम। और हेलेनाइज्ड ज्यूज 70 सालों के अंदर अंदर 70 सालों में ज्यूज ने अपने आप को ग्रीक कर लिया। उधर भी फिर लड़के और लड़कियां जेनिफर एनिस्टन बनना शुरू हुई। और आप छोटी हैं, आपको नहीं पता, इस तक मुझे नहीं पता ना कौन चल रही है, टीवी देखिए अच्छा होगा। इस तक कौन है, बियॉन्से, रियाना, अच्छा उनकी को बेटी होगी, कोई नाम बताए ना, मुझे नहीं पता, टेलर स्विफ्ट, यस यस। तो कुछ सोचिए जरा, क्राइसिस कैसे क्रिएट करते, कपड़ों की बात नहीं होती, आइडियोलॉजी की बात, आइडियोलॉजी की बात नहीं होती, केमिस्ट्री की बात होती, समझ रहे। तो केमिस्ट्री से आइडियोलॉजी निकलती है, अभी बताता हूँ आपको, केमिस्ट्री बताता हूँ आपको, 35 सेकंड का लेक्चर है, आपको न्यूरोबायोलॉजी समझ आ रही है। जैसे ही एम्फीथिएटर आया तो अब जेरूसलम में हर बात ड्रामेटाइज होती थी, और ज्यूज के जो बाबा जी थे वो जाके अपनी बेटियों को मारते थे कि तूने लव मैरिज की, और उनके मोहल्ले का लड़का आके सलमान खान शाहरुख खान बनता था। यस हैशटैग कूल उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था। हेलेनाइज ज्यूज का कॉन्सेप्ट वहां पे आया एम्फीथिएटर से, और उसके बाद ज्यूज ने अपना लेफ्ट विंग और राइट विंग अलग किया, और फिर 300 साल तक ये 12 कबीले एक दूसरे को कच्चा खाते रहे, यहां तक कि जब एक दूसरे को मारने करीब आ गए तो रोम ने वापस फतह करके इनको डायस्पोरा करवा दिया। ये औकात होती है कंफ्यूज लोगों की, कोई भी आके इनको मार देना। अगर मैं आपको कहता ना बनी इसराइल ने ये किया, उसके बाद हमने ये करना चाहिए, हम मुसलमान, आप समझ रहे मोदी साहब आ गए, बस कह दिया वो सुना, कुछ नहीं सुना। यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि जो इनके साथ हुआ वही तुम्हारे साथ होगा। हालांकि उस वक्त सहाबा करूनी उल्ला के सामने बैठे थे, the whole world was saying गलत हो, ये सब कह रहे बेशक गलत हो, हम वही करेंगे, मैं नहीं कर रहा। उस वक्त सहाबा से कह रहे थे ये उनके साथ हुआ है तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि केमिस्ट्री पता थी नबी सलाम को, ये तो इंसेशियबल डिजायर है टू फॉलो द वन हु इज इन द टॉप हायरार्की। जैसी तुमने हायरार्की छोड़ी तुमने उसी की मिमिक्री करनी है जो कि टॉप है। ये हमारा सेरोटोनिन का केमिकल, सेरोटोनिन का केमिकल क्या करता है, प्राइम केमिकल हमारा, कि वो देखता है दो काम करता है कि कौन सी गेम है जो कि अम्मा अब्बा खेलते हैं, एक ठीक है कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन, और दूसरा क्या काम करता है उस गेम का कौन है नंबर वन, और जैसे उसको पता चलता है इस गेम का नंबर वन ये है तो पूरी दुनिया को साइड पे ब्लर करता है, उसकी मिमिक्री शुरू कर देता है, सबकॉन्शियस मिमिक्री। इसीलिए मियां वाली के अंदर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ लड़ाई कर रहा है, एक ने रोनाल्डो की टी शर्ट पहनी हुई और एक ने मेसी की, समझे। ये है सेरोटोनिन। इसीलिए जो मायरा खान पहनेगी आपको पहनना पड़ेगा, समझे, बिकॉज दैट इज डिक्लेयर्ड एज द टॉप स्कैफोल्डिंग ऑफ द हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस क्या आपको दिखाई गई है, बेटा खूबसूरत नहीं है तो आप दोस्ती है, ये आपको बताया गया है, ये है अम्मी का कसूर। एवरी वुमन गोज डिप्रेस्ड बिकॉज उस वक्त वो शीशे के सामने वो नहीं लग रही थी, कौन नहीं लग रही होती, जो भी उसकी अल्फा उस वक्त दुनिया में नंबर वन चल रही है, सारा आपके कपड़ों के कलर टोन से लेके आपके अल्फाज के चुनाव, आपके एक्सेंट्स, आपके चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, चॉइस ऑफ डिग्री, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय व्होएवर यू थिंक इज अल्फा। तो आपकी क्या खास आइडेंटिटी है, हमें F-16 की मशीन